हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत नज़ीर है और हम इससे पहले दो डेमो आप कहें या इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स कहें, दो लेसन रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये तीसरा है। अगेन यही बात हम कहेंगे कि ये लेसन्स, और इंग्लिश में कहने की वजह यही है कि हम वी कैन डिलीवर द सेम लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। These lectures are equally beneficial and important for class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. We can deliver the lectures on demand in English also. But हमारा main मकसद इस वक्त वो तमाम बच्चे, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, जो क्लास 1 से 8 तक, including मेरे अपने बच्चे, वो अगर इन तीन लेक्चर्स को, और मैं बताऊं इन टोटल जो लेंथ बन रही है इन लेक्चर्स की, फर्स्ट लेक्चर अराउंड 10 मिनट्स का है, सेकंड लेक्चर मैंने अभी देखा 20 मिनट्स का है, और ये लेक्चर भी मेरी कोशिश होगी कि ये 10 टू 20 मिनट से ऊपर ना जाने पाए, ताकि जो टोटल बेस है और ये आपने अपने बच्चे को हर दिन दिखाएं, हर वक्त दिखाएं, कंटिन्यूसली वो इसको देखे और फिर सोए। और अब हम यहां पे जो पहली बार डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि फ्रैक्शन हम बता चुके, अब हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल से फ्रैक्शन, कन्वर्जन कैसे हो रही है, कि अगर एक टर्म डेसिमल में लिखी हुई है उसको फ्रैक्शन में कैसे लाया जा रहा है। तो हम सिंपली ये बताएंगे कि मूवमेंट्स ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन होती कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है 0.235 डिवाइडेड बाय, हम ये कहते हैं 7.678। अब अगेन मेन बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो इस फ्रैक्शन की डेस्टिनी है, जो इसकी किस्मत है, वो कौन तय कर रहा है? क्या न्यूमरेटर तय करेगा या डिनोमिनेटर? मेनली जो डेस्टिनी है वो तय करने वाली जो फैक्टर है, दैट इज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बताएगा कि अगर इसमें से डेसिमल्स को हटा दिया जाए तो ये किस तरह दिखाई देगा, यानी यही वैल्यू क्या बन जाएगी। इसको आप देखें कि यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स मौजूद हैं। तो 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो ये पॉइंट कहां तक मूव करेगा, ये 3 डिजिट के बाद आके पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी 0.235 डिवाइडेड बाय 7.678 लिखा हुआ है, तो अगर ये पॉइंट खत्म होता है तो ये बन जाएगा 235, और यहां पर ये 3 डिजिट के बाद, यानी यहां तक पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7678। ये बात क्लियर हुई? इस बात को एक और एग्जांपल से समझाते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब ये जो बन चुका है ये फ्रैक्शन बन चुका है। फ्रैक्शन की हमने टाइप पहले डिस्कस कर ली है, वो आप इसमें देख लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना या मिक्स फ्रैक्शन बना। क्लियर? तो अभी बुनियादी मकसद ये बताना था कि ये डेसिमल टू फ्रैक्शन की कन्वर्जन कैसे हुई। डेस्टिनी तय करने वाला उसका न्यूमरेटर है, 0.235 बताएगा कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट उस पे आते हैं। अगर हम एक और टर्म लिखें, अगेन डेसिमल टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन कैसे हो रही है? अगर लिखा हुआ है आपकी बार 0.237, ये एन पे नहीं, डेसिमल नहीं है, 0.237 डिवाइडेड बाय 79.57 लिखा हुआ था, तो अब अगेन अगर ये डेसिमल यहां से हटता है तो ये तो बन गया 237 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर 3 डिजिट्स के बाद, यानी नीचे ये डेसिमल 3 डिजिट, तो यहां पर तो सिर्फ 57 लिखा हुआ है, तीसरा डिजिट कहां से आएगा, तो वो 0 लग जाएगा, तो ये 7950 बन जाएगा।
क्लियर, कि ये 237 डिवाइडेड बाय 79570 बन जाएगा। आगे एक आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन की, ताकि हम मूव कर सकें। अब अगर हम कहते हैं कि 0.927 लिखा हुआ है, या अब हर बार तीन डिजिट लेने से बेहतर है हम कहते हैं कि जी भाई जो है 92.7 था और डिवाइड हो रहा है वो 65657.3 से, अब क्या होगा? अब अगेन अगर ये डेसिमल हटता है तो ये बन जाएगा 927 और ये एक डेसिमल यहां पर 6573 बन जाए। क्लियर है बात? आई होप कि ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर दीजिएगा, ये कैलकुलेटर मौजूद है यहाँ पे और हम इसका आपको एक वैसे बता दें ताकि ये बात जरा सी प्रूव हो जाए आपको कि 92.7 डिवाइडेड बाय 657.3 था तो वो 0.140 बना, और अगर 927 डिवाइडेड बाय जो हमने फ्रैक्शन में लिखा है 6573 तो ये 0.140 बना। इस तरह से आप डेसिमल से फ्रैक्शन पर आ रहे हैं, और डेस्टिनी हमने बता दी कि जो डेस्टिनी है वो न्यूमरेटर बताता है कि डेसिमल इस तरह से खत्म किया जाएगा। अब एक लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें बताऊं कि बच्चे के जहन में कुछ ग्रह यानी कुछ नॉट्स, कुछ जगहों पे बच्चे का जहन ब्लॉक हुआ हुआ होता है, और जिस वक्त वो ब्लॉक्स हम खोल दें तो वो बच्चा, उनको हम शॉर्टकट्स कह सकते हैं, परसेंटेज का यूज मैथमेटिक्स में कहें या रियल लाइफ में कहें हर वक्त हो रहा होता है। अगर एक बार बच्चे को परसेंटेज समझा दी जाए, बच्चा परसेंटेज समझ जाए, आप यकीन जाने कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका बेनिफिट जिंदगी भर उठाता रहेगा। तो इसीलिए हम परसेंटेज को यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और परसेंटेज को आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस 100% की बात कर ली जाए कि ये 100% होता क्या है, तो पहले बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि 100% क्या होता है। 40 का 100% क्या होगा? 40 का 100% 40 ही होगा। 50 का 100% क्या होगा? 50 का 100% 50 होगा। 90 का क्या होगा? 90 का 100% 90 होगा। तो पहले बच्चे को ये समझना जरूरी है या समझाना जरूरी है कि किसी भी चीज का 100% क्या होता है। 90 का 100% 90 होगा, 50 का 100% 50 होगा, 40 का 100% 40 होगा। कहने का मतलब अगर किसी चीज का 100% यानी टोटल, 100% होता क्या है? टोटल यानी मुकम्मल। किसी भी चीज का 100% यानी टोटल कंप्लीट। कोई नॉक कर रहा है उसको बुलाओ और आराम से बिठा दो, तो 100% टोटल जो है वो कंप्लीट, उसका 100% ही होगा। क्लियर? और बैठे नुमान, मैं आपसे बात करता हूं। 100% किसी भी चीज का, सॉरी अगेन, 90 का 100% 90 होगा, 50 का 100% 50 होगा, 40 का 100% 40 होगा। किसी भी चीज का 100% वही होगा, किसी भी चीज का 100% वही होगा जो के वो नंबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 का, सॉरी अगर 40 का 20% लिया जाए तो वो 40 से कम होगा, अगर 40 का 30% लिया जाए तो वो 40 से कम होगा, लेस देन 40 होगा। यानी 50 का अगर 40% लिया जाए तो वो लेस देन 50 होगा।
तो ये बात समझ जाएं कि अगर किसी चीज का 100% वो खुद है तो कोई भी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर हम 50 का 100% कहते हैं कि वो 50 होगा, तो 50 का 99% 50 से कम ही होगा. वो कुछ भी हो सकता है बट वो 50 नहीं हो सकता. क्लियर हो गई ये बात? अब एक चीज सीखें, अगर आपसे कोई पूछता है 40 का 20% वो सिंपली आप मल्टीप्लाई करें 4 2 8. जीरो से कंफ्यूज कभी भी ना हो. अगर आप 80 लिख दें तो वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 40 का 100% तो 40 है, तो 80 तो हो नहीं सकता 20%. तो 40 का अगर 20% कहा जाए तो वो 8 होगा. 40 का 30% अगर बात की जाए तो 4 3 12 12 हो जाएगा. इस तरह 60 का 90% क्या होगा? तो 9 6 54 हो जाएगा. अगर हम 70 का 80% कहें तो क्या होगा? तो 8 7 56 हो जाएगा. तो परसेंटेजेस को समझें. इसी तरह अगर हम ये बात कहें कि आपके पास 120 लिखा हुआ है, 120 का 30%, 120 का 100% हम जानते हैं कि 120 का 100% तो 120 होगा. अगर हम 120 का 30% लेना चाहें तो 12 3 36 इसका आंसर हो जाएगा. इसी तरह 13 का 30%, 130 का हमने बात करी, ये 130 का 30% 39 हो जाएगा. इस तरह से 140 का 20% तो 214 28. तो परसेंटेजेस, और लास्ट एक परसेंटेजेस के बारे में बात करके हम इस लेसन को एंड करते हैं कि जब हम कहते हैं 50%, 50% क्या होता है? किसी भी चीज का हाफ, किसी भी चीज का हाफ, आधा 50% होता है. यानी 70 का अगर कोई कहता है 50% तो आप डायरेक्टली 35 लिखते हैं. अगर आपसे 1400 का 50% कोई कहता है आप 700 लिखते हैं. आपसे 1900 का 50% कहता है तो 1000 का आपने आधा किया 500, 900 का आपने आधा किया तो 450. तो 500 और 450 यानी 1900 का हमने ब्रेकअप किया कि जी 1000 का 50% होता है 500 और 900 का 50% होता है 450. तो 950 इसका आंसर हो जाएगा. तो जब आप जहन में, जब आप ब्रेन में करने लग गए इन परसेंटेजेस को, जब बच्चा ब्रेन में परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, आप यकीन जाने बच्चा आधा मैथमेटिशियन तो बन जाएगा. तो कोशिश करें कि बच्चे की ये परसेंटेज वाली जो नॉट्स हैं, जो बंधी हुई हैं, परसेंटेज वाली नॉट खुल गई वो गिरा, जो परसेंटेज पे लगी हुई है वो खुल गई, उसका मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा. अब एट द एंड हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इन लेक्चर्स को, जिनकी टोटल ड्यूरेशन 1 घंटे से ज्यादा नहीं बन रही, पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी पढ़ें, इन लेक्चर्स को बच्चे को बार बार दिखाएं कि ये बच्चा जाने से पहले, वो स्कूल जाने से पहले इन लेक्चर्स को देखे, स्कूल से आने के बाद इन लेक्चर्स को देखे, जहां उसे कंफ्यूजन हो इन लेक्चर्स को देखे, और फिर आप देखें कि वो रिजल्ट कैसे नहीं देता. बहुत शुक्रिया. ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं, और हमसे कनेक्ट होने के लिए इसमें वैसे कहीं ना कहीं हमारा नंबर मेंशन होगा, बट फिर भी बता दें myonlinetutoring.com मेरी वेबसाइट है. 9230256 2296 मेरी पर्सनल कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाली फीमेल्स पढ़ाएं, और बहुत टैलेंटेड होती हैं वो. उन्हें हमने रिक्वेस्ट कई बार की है कि वो इस तरह के डेमोज हमें भेजें, हम उनको अपलोड करें, बट स्टिल मैं पढ़ाता हूँ. और इसके अलावा 2200 से ज्यादा ट्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं.
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और इस डेमो को हर वक्त देखा करें, यकीन जाने बच्चे में बेहतरी ज़रूर आएगी। बहुत शुक्रिया।